Assalamualaikum. How are you all my dear students? Myself, Patel Nazneen, on behalf of STMES Boys English Medium Primary School, Standard 5th, Subject English 1, and our chapter name is Robinson Crusoe Discovers a Footprint. In our previous video, we have seen the part 1, and today we are going to see part 2. And we will complete our story. Okay, beta? Let's see. Robinson Crusoe discovers a footprint. अगले पार्ट में हमने देख लिया था कि जो रॉबिन्सन है उनका जो शीप है तो सी में कुछ टूट जाता है और फिर वो लोनली रहते हैं. ओके, अब क्या होता है, एक बार उन्होंने फुटप्रिंट देख लिए. चलो वहाँ से अब स्टार्ट करते हैं. आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन. अब वो अपनी जो केव है उसमें तो आ गए पर पूरी रात उनको नींद नहीं आई. द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, पूरे थॉट्स उनके दिमाग में ही चल रहे थे कि आज मैंने क्या देखा, ये किसके फुटप्रिंट है. द मोर अफ्रेड आई बिकेम, जितना मैं सोचता उतना ज़्यादा मैं डरने लगा. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. क्या सोचा उन्होंने? I thought it could be one of the savages of the mainland. Savage means cruel, जंगली. देखो यहाँ पे you can see in this picture wild man. Okay, he is having an axe in his hand. Okay. In a small boat, luckily, who had wandered out to the sea in a small boat, वो अपनी छोटी सी बोट लेके समुद्र में आया होगा. Luckily, I was not on a shore at that time, but what if he had seen my boat? Luckily, I was not on the shore at that time. वो टाइम पे मैं शोर पे नहीं था. Luckily, I was not on the shore at that time, but what if he had seen my boat? अगर क्या होता, अगर उसने मेरी बोट देख ली होती. If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on island. अगर उसने बोट देख ली होती तो उनको पता चल जाता कि यहाँ पे कोई इंसान रह रहा है. Island and would soon return with others to kill and eat me. वो जो Savages of the mainland, वो उसके दूसरे भी उनके जो साथीदार हैं उनको साथ में लेके आते. Kill me, मुझे मार डालते. देखो उनके हाथ में वेपन्स भी है, ये उनके सब ख्याल है कि अगर ऐसा होता. And eat me, मुझे खा जाते. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. So I lay fearful, यानी डर के मारे. Many days and prayed for protection. जैसे हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं ना, अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करना, वैसे ही उन्होंने अपने सुरक्षा के लिए prayed यानी दुआ की. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. But even now, I went forward. I looked behind me frequently because I was still very frightened. क्या होता है, अभी भी मन में डर सा तो है. But even now, अभी भी as I went forward, I look behind, जैसे ही मैं आगे चलता हूँ पीछे की ओर देखता हूँ frequently, बार बार. Because I was still very frightened, अभी तक मैं बिल्कुल डरा हुआ हूँ. However, as I went about for 2 or 3 days, and so nothing, I became a little bolder. क्या होता है, 2-3 दिन में कुछ ऐसा दिखा नहीं तो मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आ गई. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. मैंने decide किया कि चलो एक बार फिर से जाते हैं और वो footprint को मैं अच्छे से examine कर लेता हूँ. I decided to measure it with my own footmark. उन्होंने जो उनके खुद के जो foot है उससे ये footprint को measure करने के लिए सोचा. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint.
बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। फिर उन्होंने क्या सोचा कि ये मेरे फुटप्रिंट नहीं हो सकते क्योंकि कुछ लंबे अरसे से मैं तो यहाँ पे आया ही नहीं था। सेकेंडली दूसरा भी रीजन है, एज आई प्लेस माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम लार्जर देन माई ओन फीट। जैसे ही उन्होंने खुद का जो फीट है वो उसके ऊपर रखा तो वो जो प्रिंट है वो थोड़ा बड़ा लगा, यानी वो मेरा हो ही नहीं सकता। माई फियर रिटर्न, फिर से मैं डर सा गया। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से घर चला गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, यहाँ पे दूसरा कोई भी है। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।